प्रदेश में चारों तरफ बाढ़ के पानी से हाहाकार मचा हुआ है। यमुना, गग्गर, सभी नदियों में पानी का लेवल इतना बढ़ गया है कि कई गांव अब तक तबाही की चपेट में आ गए हैं। वहीं फतेहाबाद में नेशनल हाईवे 9 की एक साइड पर भी बाढ़ का पानी पहुंच गया, जिसके बाद ट्रैफिक को डाइवर्ट कर हाईवे को वन वे किया गया, साथ ही अलर्ट जारी किया गया है। हालात इतने खराब हुए कि खुद डीसी मिट्टी के बैग उठाकर काम में मजदूरों का हाथ बांटने लगी। डीसी डॉक्टर मनदीप कौर ने कहा कि समय सभी को मिलजुल कर बाढ़ के हालात से लड़ने की जरूरत है। प्रशासन ने आबादी को बचाने के लिए जी जान लगाई हुई है। अभी तक हम कामयाब हैं कि कहीं पर भी आबादी में पानी नहीं गया है और कहीं पर जानी नुकसान नहीं हुआ है। अभी तक हमारे खेतों में पानी, अभी तक हमारे रिहायशी आबादी में एरिया में कभी कहीं कोई पानी नहीं है। अभी तक हमारी कोशिश है कि पानी ना जाए और ये ऐसे ही आगे निकल जाए। हाँ जी, पानी टच कर गया, पानी तो कल से टच किया हुआ है और हमारे प्रबंध पूरे हैं। हमने जो हमारे अंडर पासेज हैं वहाँ पे हमने पक्का इंतज़ाम कर लिया है, कट्टे, सैंड बैग, लेबर, और एक दो जगह तो हमने चिनाई ही करा दी है क्योंकि वहाँ से लो लाइंग एरिया था, पानी निकलने के वो थे। बाकी जो है प्राइमरीली ये जो ब्लॉकेजेस हैं, जो नेचुरल फ्लो ऑफ वाटर के आगे जो ब्लॉकेजेस हैं, हम उन पॉइंट्स पे जाके आए हैं और वहाँ से हमने उनको, उस पानी को वहाँ से एग्जिट दिया है ताकि यहाँ से पानी घट जाए। मैम, पीछे से क्या रिपोर्ट है पानी की, कि पानी पीछे से बढ़ रहा है या स्टेबल है? स्टेबल है, घट ही रहा है, वो तो ऐसी साफ बताएंगे, घट ही रहा है। वेदर रिपोर्ट क्या है मैम आपके? एक बार, हाँ जी, वेदर रिपोर्ट क्या आगे की? वेदर रिपोर्ट तो यहाँ फतेहाबाद तो बारिश की कोई नहीं है, पीछे बारिश होगी तो फिर हमारे ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है। हमारे पास रिलीफ कैंप्स हैं, हमारे पास 13 रिलीफ कैंप्स हैं और हमारे पास पूरा अरेंजमेंट है। उन रिलीफ कैंप्स में हमारे पास पानी, बिजली और खाने का पूरा अरेंजमेंट है। बट ये है कि हमारे रिलीफ कैंप्स में, मतलब हमारा पूरा जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो इतना अच्छा काम कर रहा है कि अभी तक रिलीफ कैंप्स में हमें किसी को इवैक्यूएट करके लाना नहीं पड़ा। नहीं, फील्ड की तो है, खेतों की तो है, फसल तो सारी, आई वुड से सारी मारी गई, फसल तो उसकी तो पूरी है, बाकी और रिहायशी एरिया में कोई नुकसान नहीं है। मैन पावर को बढ़ाने के लिए कुछ? मैन पावर सफिशिएंट है, ऑफिसर्स बहुत अच्छे हैं, सारा काम बहुत स्मूथली चल रहा है। हाँ जी, सब अलर्ट पे है, पर पानी नहीं आएगा, मतलब ठीक है। हाँ, हम तो, मैं SP मैडम और SC इरीगेशन, हम तो एक ही गाड़ी में पिछले 10 दिनों से हम तो लगे ही हुए हैं। DC ने कहा कि सभी मिलजुल कर सहयोग करेंगे तभी हम आपदा का सामना कर पाएंगे और सुरक्षित भी इसी वजह से रह पाए हैं। खुद SP मैडम और मैं 10 दिन से लगातार एक ही गाड़ी में साथ साथ हैं और लोगों की सेफ्टी के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं। SP आस्था मोदी ने कहा कि बाढ़ का पानी लगातार बढ़ रहा है और हम पूरी कोशिश कर रहे हैं सभी लोग सुरक्षित रहें। जी, हमारे जितने भी सेंसिटिव लोकेशंस हैं उस पर हमने डिप्लॉयमेंट करी हुई है ताकि वहाँ पर कोई क्लैश ना हो लोगों का और लोगों की सेफ्टी भी बनी रहे। जैसे कि आप लोगों ने भी कल ऑब्जर्व किया होगा कि काफ़ी लोग हैं जो बाढ़ के पानी को देखने के लिए, सेल्फी बनाने के लिए आ रहे हैं, तो उनकी भी सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए वहाँ पे भी सारी पेट्रोलिंग हमने लगा दी है। और रात में या शाम के टाइम अंधेरे के बाद कोई मोटरसाइकिल एक्सीडेंट या मोटर व्हीकल एक्सीडेंट ना हो, कोई गलती से पानी में ना चले जाए, इसलिए जहाँ जहाँ पानी का बहाव है वहाँ पर हमने ड्यूटीज़ लगाई हैं ताकि वो लोग वॉर्न हो सके कि यहाँ पर ना जाएँ, यहाँ पर है। इसके साथ साथ जहाँ पे भी आवश्यकता है, आवश्यकता अनुसार पुलिस की मूवमेंट हमने रखी है, मोबाइल पार्टीज रखी है ताकि जहाँ पे भी आवश्यकता होती है वहाँ पे जल्दी से जल्दी पुलिस फोर्स पहुँच सके। हाँ जी बिल्कुल, सेफ्टी को देखते हुए, क्योंकि आपने जैसे कल भी देखा, कल शाम को भी बहुत लोग हैं जो यहाँ पे बहुत भीड़ उमड़ रही थी, जिनको फिर फाइनली पुलिस ने जो है उनको वापस घर भेजा। तो सबकी सेफ्टी को देखते हुए ये ज़रूरी था कि हम एक साइड जो है हाईवे की बंद कर दें। और इसमें ये भी है कि अभी यहाँ पे जो प्रोटेक्टिव मेजर्स हैं जो ले रहे हैं, जो मिट्टी डाली जा रही है, कट्टे प्लेस किए जा रहे हैं, तो उसमें आवश्यकता है, उसमें हैवी व्हीकल मूवमेंट है, JCBs मूव कर रहे हैं, ट्रक्स मूव कर रहे हैं, तो अगर वहाँ पर नॉर्मल ट्रैफिक रहेगा तो एक तो इनकी मूवमेंट में बाधा आएगी और दूसरा जो आम जनता है उनकी सिक्योरिटी भी उससे कॉम्प्रोमाइज होती है रिलीफ वर्क के बीच में। अगर कई गांव जो हाइपर सेंसिटिव है, ट्रैफिक को डाइवर्ट कर दिया गया है, ढांगर से ट्रैफिक डाइवर्ट कर रहे हैं, वहाँ पे भी है और दरियापुर पे भी है, ट्रैफिक ऑलरेडी डाइवर्टेड है जी। थोड़े बहुत विवाद ये सारी जगह हो रहे हैं, पर मैं यही रिक्वेस्ट करूँगी सबसे कि वो लोग संयम रखें। जहाँ पे भी इस तरह के विवाद होते हैं, पुलिस के प्रशासन के लोग जाके उन्हें समझा रहे हैं, शांत कर रहे हैं, और जो भी ओवरऑल जो बिग पिक्चर में
डिस्ट्रिक्ट के लिए जो सबसे अच्छा डिसीजन है वही हम लोग लेने का प्रयास करते हैं, जिससे डिस्ट्रिक्ट से निकासी हो पानी की, जो पानी है जो उसका नेचुरल ग्रेडियंट है, जो नेचुरल फ्लो है उसकी तरफ जाए, उसके लिए जो सबसे सूटेबल डिसीजन है वही लेने का प्रयास किया जाता है। पर फिर भी मैं लोगों से बोलूँगी कि थोड़ा संयम रखें, इस टाइम पर हम लोग सेल्फिश नहीं हो सकते कि अपनी गाड़ी, अपना घर, अपना खेत देखें। इस टाइम पर हमें पूरा बड़ा पिक्चर लेके पूरे डिस्ट्रिक्ट के लिए, सब के लिए, पूरे जो उस पूरे एरिया के लिए जो बेस्ट डिसीजन है उसी को लेना पड़ेगा। फिर भी पुलिस और प्रशासन बिल्कुल मुस्तैद है, कहीं पे भी इशू होता है तो सब लोग इकट्ठे पहुंच के उसको निपटा देते हैं। हाईवे पर एक साइड से बाढ़ का पानी आ गया है, जिसके कारण ट्रैफिक को भांगड़ गांव के पास से और दूसरी साइड दरियापुर गांव के पास से डाइवर्ट किया है और हाईवे को वन वे किया है। हाईवे पर बाढ़ देखने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ रही है और कुछ लोग सेल्फी खींचने के लिए भी बड़ी संख्या में हाईवे की तरफ आ रहे हैं, जिन्हें कंट्रोल करने के लिए हाईवे पर सुरक्षा बढ़ाई गई है। अभी तक सभी लोग आपस में मिलजुल कर हालात को संभाले हुए हैं। प्रशासन की ये कोशिश वाकई काबिले तारीफ तो है, लेकिन आप अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। सत्य खबर के लिए फतेहाबाद से राजेश भांबू की रिपोर्ट। सत्य खबर, सत्य सटीक बेबाक।